हम ला यहाँ पे लिक्विड मॉली का इंडियन फ्लैग सूट रहे। तो फाइनली यहाँ पे जो क्लच प्लेट है हमने निकाल दिया। तो ये देखो, ये सारे के सारे पार्ट है जेन्युइन स्पेयर पार्ट बजाज के, आपको बता रहे होंगे, और ये सारे के सारे इस बाइक के अंदर। और उसके साथ हम डालेंगे एक एडिटिव जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने करा है को फ्लैश। हेलो गाइस, वेलकम टू एस पॉइंट। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डोमिनर 400। जैसे कि आपकी बाइक नजर भी आ रही होगी, इसके अंदर काफी ज्यादा मेजर काम है और ये जो कितने किलोमीटर है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूं बहुत जल्द, और बकायदा मीटर के साथ बताने वाला हूं कितने किलोमीटर चली हुई है। दोस्तों अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंच सके। Few moments later. और आज मैं आपको बताऊंगा 38,000 किलोमीटर पे कौन कौन से आपको पार्ट चेक करने चाहिए और कौन कौन से पार्ट आपको चेंज करवाने चाहिए 38,000 किलोमीटर के बाद। तो इस बाइक में कस्टमर की जो कंप्लेंट है, जो उन्हें कहना है, उन्हें कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया, बोला भैया सिर्फ बाइक नॉर्मल सर्विस कर दो और जो काम होता है इस बाइक के अंदर वो सारी चीजें चेक कर लो। तो चलिए आज हम करते हैं इस बाइक की सर्विस फुल्ली, जो की 38,000 किलोमीटर पे ये सारी चीजें आपको चेंज करवानी बहुत जरूरी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट निकले। Few moments later. तो चलिए दोस्तों अब निकालते हैं बाइक का इंजन ऑयल। इंजन ऑयल निकालने से कम 10 मिनट बाइक को स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो कोने कोने ऑयल है वो प्रॉपरली निकल जाए। और इसको निकालने के लिए प्रॉपर अंदर से इंजन को साफ करने के लिए हम लाए यहाँ पे लिक्विड मॉली का इंजन फ्लैश सूटर, जो की काम क्या होता है इंजन के अंदर डलता है और 10 मिनट बाइक को स्टार्ट करना, इसका जो काम है केमिकल जो होते वो कोने कोने में जमे जो इंजन होता है उसको निकाल लेता है और इंजन को बिना खोले अच्छे से क्लीन कर देता है। अब ये डल रहा है इसके बाइक के अंदर और हम 10 मिनट बाइक को स्टार्ट करेंगे। Few moments later. और यहाँ पे जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो रहा है 3:34 और 10 मिनट तो बाइक को यहाँ पे स्टार्ट होने देंगे। Few moments later. और यहाँ पे जो पूरे 10 मिनट है हो चुका है आपको नजर आ रहे हैं, 34 पे करा था हमने गाड़ी को स्टार्ट, 44 हो गए। तो ये देखिए इंजन ऑयल कितना काला निकला, देख रहे हो, ये होता है इंजन फ्लश करने का नतीजा। अगर आप इंजन फ्लश कराओगे जो इंजन की जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी यहाँ पे ऑयल के जरिए से यहाँ पे बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे जो टैंक खुल चुका है और टैंक देखिए ये है एयर फिल्टर की हालत, देख रहे हो एकदम चौक, ये देखो एकदम एयर फिल्टर चौक पड़ा भाई। और यहाँ पे निकालने जा रहे थे इसकी टोटल बॉडी, अब टोटल बॉडी की हालत देख रहे, यहाँ से मत देखना, यहाँ से साफ दिख रही है आपको, ऊपर से दिख रही है, मैं आपको उसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखे इसकी टोटल बॉडी की हालत देख सकते हो, यहाँ से साफ है, यहाँ देखो एकदम गंदी पड़ी है भाई, ये देखो एकदम चौक, सारा का सारा कार्बन इंजेक्टर पड़ा है, ये देखो भाई इसके इंजेक्टर भी लग रहा है, हॉल भी चौक पड़े हैं, ये सेंसर देखो कितना काला पड़ा बहुत ज्यादा। तो कहाँ से गाड़ी स्मूथ चलेगी और कहाँ से गाड़ी की एवरेज निकलेगी, तो चलिए इसको करते हुए हम क्लीन कर देते हैं। क्लीटर की एवल गाल देखो चटक रही है, देखो यहाँ से टूट रही है, ये देखो भाई, ये देखो इसके ये तीनों स्पार्क प्लग, मुझे लगा यार आज तक कभी स्पार्क प्लग चेंज ही नहीं कराई, देख लो सब पॉइंट पूरा घिस गया दोनों नहीं तीनों का भाई साहब। और देख लो ये होता है फ्यूल फिल्टर, इस फ्यूल फिल्टर पूरा चौक हुआ हुआ है और ये देखिए इसके अंदर काला कितना जमा हुआ है, ये काला क्यों जमता है कि फिल्टर चौक। अब बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक पैड की, ये देखो भाई हमने फ्रंट ब्रेक पैड खोल लिया, ये देखो भाई जंग खा रहे हैं, देख लो ये देखो जो इसके ब्रेक पैड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, एकदम खत्म हो रहे देख लो। तो आपने अगले ब्रेक पैड देख लिए, बात कर लेते हैं पीछे के ब्रेक पैड की, वो हमने खोल के यहाँ पे रखे हुए, ये देख लो, ये देखो इसमें तो और भी ज्यादा जंग लगा हुआ पीछे के ब्रेक पैड में, और ये चटक भी रहे, मैं आपको दिखाता हूँ लाइन, ये देखो, ये देखो भाई ये चटकने स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो क्या होता है ये चलाते ना इसको, तो ये देखो कुछ टाइम बाद ये ब्रेक पैड टूट जाता है जैसे कि आपने देखा, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे जैसे जैसे सारे पुराने पार्ट हमने डोमिनर के निकाल के रख लिया, आपको दिखाई किस तरीके से कितने ज्यादा खराब है। बात करें फ्यूल फिल्टर की, फ्यूल फिल्टर चौक हो चुका है, जो पूरा यहाँ से दबा हुआ देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा काला पड़ा हुआ एयर फिल्टर, एयर फिल्टर पूरा चौक हुआ, ब्रेक पैड स्पार्क आपको दिखा दिए। अब बात करें इसके नए पार्ट से, देखो ये सारे के सारे नए पार्ट से जन पड़े, क्लच प्लेट भी चेंज हो रही है, स्पार्क प्लग चेंज हो रहे हैं, फ्यूल फिल्टर ये रहा, ऑयल फिल्टर ये रहा, दोनों ब्रेक पैड एंड एयर फिल्टर सबसे मेन चीज है, साथ में चेंज रहा कूलेंट, कूलेंट की बात करिए देखो कूलेंट का हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता है आज तक भी कूलेंट चेंज हुआ है। तो यहाँ पे इस बाइक में कूलेंट भी चेंज हुआ और क्लच प्लेट खुल चुके हैं, क्लच प्लेट हमने ये रखी नई बजाज की जेन्युइन क्लच प्लेट, इसकी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये देखो ये सारे के सारे पार्ट है जेन्युइन स्पेयर पार्ट बजाज के, आपको बता रहे होंगे, और ये सारे के सारे इस बाइक के अंदर लगने, और मोटर का फुल सिलेंडर 7100 10W50 इसमें डलेगा इंजन ऑयल, ठीक है। चलिए सारे के सारे पार्ट को स्टोर कर लेते हैं बाइक के अंदर, और यहाँ पे जिसकी टोटल बॉडी है प्रॉपर क्लीन हो चुकी है, ये देख लिए साइड से, ये पीछे से, और ये देखिए आगे से प्रॉपर हिसाब से, चलिए टोटल कर लेंगे फिट। और यहाँ पे लग चुका पीछे का ब्रेक पैड, और यहाँ पे लग चुके कैलिपर के अंदर ब्रेक पैड, ये देखो कम्प्लीट हो गया, ब्रेक पैड कम्प्लीट हो चुके इसके अंदर,
और ये देखिए ये एनजी के तीनों स्पार्क प्लग हैं और हम इसमें चेंज कर रहे हैं। पुराने तो आपने देख लिए होंगे, मैं आपको नए दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये तीसरा स्पार्क प्लग निकालते हैं एनजी का। ये देखिए तीनों के तीनों स्पार्क प्लग, ये देखो भाई एनजी के। चलो फिट करते हैं इसको। और ये देखिए स्पार्क प्लग फिट हो चुका है। ये रहा इसका एयर फिल्टर बजाज का जेनमैन, ये देखो भाई एयर फिल्टर है। चलिए इसको कर ले फिट कर ले बेटा इसको भी। ये देखिए ये है डीटी का फ्यूल फिल्टर, जो अपना पेट्रोल वाला फिल्टर था वाइट वाला जो आपने देखो ये है, तो बड़ा इसको फिट कर लो। और यहाँ पे लग चुका है एयर फिल्टर, जैसे कि पुराना देखा नया भी देखा फिट हो चुका है इसके एयर फिल्टर। और बात करें ये देखो फ्यूल फिल्टर, ये रहा बाइक के अंदर लग रहा है। देखो ये होता है फ्यूल फिल्टर, ये चेंज कराना बहुत जरूरी है। अगर ये चौक होगा तो अब जो आपके जाना चाहिए प्रॉपर फ्यूल नहीं जाएगा, उसके से आपके इंजेक्टर और पंप भी खराब हो सकता है। चलिए फिट करते हैं इसको। और यहाँ पे लग चुका है टैंक, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा पहले जो इसकी हालत थी बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था, ऊपर से हाथ लगाने का भी नहीं कर रहा था, इतनी ज्यादा गंदगी थी। तो यहाँ पे हमने चेसी के एक ही पार्ट को क्लीन कर दिया, जिसका एक ही पार्ट से अच्छी तरह क्लीन कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे टंकी के साइड के और एसटी का जंग लगा, यहाँ पे क्लीन मार दिया और साथ में हमारा रेगमाल, तो ये प्रॉपर ना हर से काम करेंगे। और ये देखो अच्छी तरह बैटरी क्लीन कर दी हमने यहाँ पे, ये जरूरी है क्योंकि अंदर की सफाई हो नहीं पाती है, तब सर्विस आती जब भी आपको करनी पड़ती है, तो बहुत से लोग नहीं करते पर ये करना चाहिए आपको, ध्यान रखना। तो चलिए अब लगा दिया टैंक को। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो टैंक जो फिट हो चुका है। बात करते हैं इसके ब्रेक ऑयल की, तो ये ब्रेक ऑयल जो है जरूर चेक करना है। अभी आप देखो इसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा अंदर से काली पड़ा हुआ ब्रेक ऑयल, ऐसा लगा जैसे कि कभी चेंज नहीं हुआ वो, देखो ये कितना काला हो रहा था, इसी हम ब्रेक ऑयल को चेंज करते हैं। चलिए और ऐसे ही हमको अगला वाला भी चेंज करना ब्रेक ऑयल। तो फाइनली यहाँ पे जो क्लच प्लेट है हमने निकाल लिया, जैसे आपको क्लच प्लेट है नजर आ रही होंगी वायरिंग होता है। चलिए तो यहाँ पर जो लग चुकी है गैसकेट, अब सीधा फिट करते हैं क्लच कवर को। तो फाइनल से यहाँ पर जो क्लच पे डल चुकी है, अब बाजी आती है इंजन ऑयल की और डालते हैं बाइक में इंजन ऑयल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जो इंजन ऑयल डालेंगे वो डालेंगे मोटो का फुल डिसेंडेड 10W50, और उसके साथ हम डालेंगे एक एडिटिव जो कि इंजन ट्रीटमेंट होता है, ये बेस्टा कंपनी का, ये बहुत जरूरी होता है। इंजन के अंदर स्मूथनेस लाता है और जो पार्ट जो लोहे के जो घिसने आपस में उनके अंदर ले चढ़ाता है ताकि वो पार्ट जल्दी से ना कटे। तो चलिए इसे डालते हैं इंजन ऑयल। और इंजन ऑयल डालते समय ये है इसका ऑयल फिल्टर, इसको भी डालते हैं। ये रहा इसमें ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर को डिप करना ऑयल में बहुत जरूरी है। देखो ये डाला है मोटुल का इंजन ऑयल, ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पे डिप हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डल रहा है इंजन ऑयल और इंजन ऑयल के साथ डल रहा है बेस्टा का इंजन ट्रीटमेंट। ये देखो भाई फाइनली यहाँ पे जो इंजन ऑयल डल चुका है बाइक के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने करा है रेडिएटर को फ्लैश। ये देखो इसमें से अभी भी ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है, जब तक ये प्रॉपरली जो रेडिएटर साफ ही होगा जब तक हम इसके अंदर नया कूलेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिएटर का जो कूलेंट है ये पूरा से गले तक आना चाहिए, ये देखो, तो इसका मतलब जो आपका रेडिएटर पूरा भर चुका है। और फाइनली से यहाँ पे जो कूलेंट है बाइक में डल चुका है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला कूलेंट मैंने नया डाला था बाइक में और आपने देखा किस तरीके में फीलिंग करा। और यहाँ पे जो बाइक है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते रहे आपके लिए।